एंड कोई मुझसे भी पूछो यार। हेलो फ्रेंड्स, ये मैं हूँ, ये हमारी कार है और यहाँ हमारी पिज्जा पार्टी हो रही है और आज है फ्राइडे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है फ्राइडे और आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। अभी मूवी शुरू होने में बहुत ही कम टाइम बचा है और हमारा मूवी टाइम है 7 o'clock, और अगर हम मूवी देखने चले जाएंगे तो हमारा डिनर टाइम स्किप हो जाएगा क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी डिनर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम जल्दी से ना कार में बैठते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, और ये कार में ना बैठ के खाना खाना हमने कोविड के टाइम पर खूब किया है और इतना मज़ा आता है ना, मतलब फैमिली के साथ फन हो रहा है, आप खा रहे हो और जल्दी जल्दी खा के, और अभी हम लोग निकल रहे हैं मूवी देखने के लिए। In the pizza world, pizza party, pizza party, we are in the pizza world. Abhish, you like Domino's or Pizza Hut? Domino. Abhi, you like Domino's or Pizza Hut? Both. Both? And कोई मुझसे भी पूछो यार। नहीं। Domino's or Pizza Hut? तुमसे कोई नहीं पूछना। Sometimes I like earlier I like Pizza Hut. Actually क्या हुआ ना, इंडिया से जब हम लोग आए ना बे एरिया में, तो बे एरिया में एक वो था ना पिज्जा का, जहाँ पे वो इतना बड़ा पिज्जा मिलता था, क्या नाम था उसका, इंडियन पिज्जा, टेस्टी सब्स। तो वहाँ पे पता है पिज्जा के क्या नाम थे, मूवीज के बेस, मूवी पे थे ना, बॉलीवुड मूवी पे, बेताब और दिलवाले और ऐसी कुछ, मतलब इंटरेस्ट छोले, तो इंटरेस्टिंग से नेम थे और वो ना एकदम इंडियन स्टाइल पिज्जा बनता था, तो वो पिज्जा इतना टेस्टी भी होता था ना खाने में। तो हम लोग ना बे एरिया में वही पिज्जा खाते थे। हम लोगों ने आई थिंक बे एरिया में कभी डोमिनोज और पिज्जा हट ट्राई नहीं किया था। फिर जब खाया था, हाँ शायद, मतलब इतना ज्यादा नहीं खाते थे, राइट। फिर हम लोग जब सैनडियागो आए तो यहाँ पे कोई इंडियन पिज्जा नहीं है, और सैनडियागो में ना इट्स लाइक, जब आप बे एरिया से सैनडियागो आते हो ना, बे एरिया इज लाइक मिनी इंडिया बसा हुआ है उधर, तो आपको इतने सारे नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और बेसिक इवन चपातीज भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है सैनडियागो में। अगर आपको खाना खाना है तो प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाके खाओ। A few moments later. तो गाइस, इधर हमने अपनी कार पार्क कर दी है। गाइस, हम लोग आए हैं ओशियन साइड डाउनटाउन रीगल सिनेमाज में मूवी देखने। एक्चुअली सैनडियागो में ना हिंदी मूवी ना ज्यादा लगती नहीं है। और इस लोकेशन पर यहाँ पर एक पार्टी रूम बना हुआ है जहाँ पर आप अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। नाउ अडेज बारबी मूवी इन ट्रेंड, तो यहाँ पर देखिए बारबी थीम का पूरा डेकोरेशन हुआ हुआ है। वैसे तो हम लोग AMC में ही मूवीज देखते हैं क्योंकि वहाँ का जो सीट्स है ना, रिक्लाइनिंग सीट, वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, बट AMC में गदर 2 अवेलेबल ही नहीं थी और हम लोग ना काफ़ी लेट भी हो गए मूवी के लिए। 7:10 तो मूवी स्टार्ट होने वाली थी और अभी हो रहा है 7:11। और हमारे साथ ना हमेशा ऐसा होता है, अगर हम किसी चीज़ के लिए लेट हो रहे होते हैं ना, वैसे हम लोग कोशिश करते हैं हर जगह टाइम पर पहुँचे और हम लोग मोस्टली टाइम से पहले ही पहुँच जाते हैं, बट अभी हम मूवी के लिए लेट हो रहे थे तो हमें पार्किंग इतनी दूर जाकर मिला और हमें इतनी देर मतलब वॉक करके आना पड़ा, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर पता नहीं टिकट स्कैनिंग में क्या इशू हो गया, जो कभी होता नहीं है, US में इतना टाइम नहीं लगता, विद इन 2 मिनट्स आपका टिकट स्कैन होता है और जाओ। अभी वो स्कैन हो गया है, स्कैनर का कुछ इशू था उन लोगों का, थोड़ा टाइम लग रहा था। तो अभी हम लोगों ने पॉपकॉर्न ऑर्डर किया, तो पॉपकॉर्न हम लोगों ने बोला हमें विदाउट बटर चाहिए, और बोलने के बाद भी उसने गलती से उसमें बटर डाल दिया, फिर हमें बटर नहीं खाना था, तो उन्होंने वो बटर वाला पॉपकॉर्न ट्रैश करके हम लोगों को दोबारा से विदाउट बटर पॉपकॉर्न फिल करके दिया, तो इसमें इतना टाइम वेस्ट हो गया। US में पॉपकॉर्न के लास्ट टब का प्राइस होता है $9.99, मतलब ऑलमोस्ट $10 हो गया, और अगर आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो इंडिया के ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ का आपको लास्ट टब पॉपकॉर्न मिलता है।
इधर हम लोग जा रहे हैं भाग भाग कर, और जब हम पहुंचे तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी और ऐसा जितना ज़्यादा कुछ नहीं निकला था, हार्डली 1-2 मिनट की मूवी मिस हो गई थी। हाय गाइस, तो आज सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं इंडियन फन एंड फूड फेस्टिवल में। तो कल हम लोग गदर मूवी देखने गए थे, मूवी अच्छी लगी। क्या बोला तूने? तो मूवी में ना काफी ट्विस्ट है और अच्छी मूवी है, ऐसे भी किसी भी पॉइंट पे ऐसे बोरिंग नहीं लगी। एक्शन तो बहुत ज्यादा है और वो जो हैंडपंप वाला सीन है वो तो मतलब बहुत ही मस्त है। आप लोग भी जाओ देख के आओ। और सॉन्ग्स तो है यार मूवी के अच्छे, मतलब सब कुछ था मूवी में, राइट? एक्शन भी था, रोमांस भी था, और एक वो अपने देश के लिए प्यार भी था, तो बहुत सारी चीजें थी। हमें तो अच्छी लगी, ओवरऑल मूवी काफी अच्छी थी। बट मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब जो भी था मूवी वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा लग रहा था सनी देओल ने ना पूरा, मतलब इंडिया का जितना भी च्यवनप्राश है ना सनी देओल खा चुका है, और वो ना ऐसे वो थॉर बन गया था, वो हैमर लेके ना ऐसा लग रहा था मतलब किसी कोई सुपर हीरो की मूवी चल रही है, इंडियन थॉर। बट मूवी मस्त थी, हमें अच्छी लगी। आप भी जाओ देख के आओ, वर्थ है देखना, पैसा वसूल है। तो यार इंडियन फेस्टिवल में आओ और इंडिया वाला फील ना आए तो हो ही नहीं सकता। तो अभी पिछले 15 मिनट से हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं। इधर देखो रोड्स पे पार्किंग है, पार्किंग एरिया पूरा फुल है, कहीं भी पार्किंग नहीं मिल रही। अभी समझ नहीं आ रहा वेट करें पार्किंग के लिए या फिर वापस घर ही चले जाएं, क्योंकि कोई ऑप्शन तो है नहीं। हम लोग पूरा नेबरहुड तक भी देख कर आ गए हैं, पूरा नेबरहुड लाइक फुल है, कार्स 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 एवरीवेयर। सी व्हाट टू डू। 2000 years later वी गॉट द पार्किंग, लाइक आधा घंटा वेट करने के बाद और नेबरहुड के इतने चक्कर काटने के बाद जाकर हमें यहाँ पे पार्किंग मिली है। और अभी यहाँ से हम वॉक करके जाएंगे। इंडियन फन एंड फूड फेस्टिवल ये सैंडियागो की गुजराती कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो आप चारों तरफ देखिए, देखकर लग ही नहीं रहा कि हम लोग यूएस में, चारों तरफ इंडियंस ही इंडियंस हैं। और ये लोग काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम शो के लिए लोग कर रहे थे, काफ़ी सारे डांस परफॉर्मेंस हुए थे और हर चीज़ थी वहाँ पर, खाने से लेके कपड़े ज्वेलरी। अभी आगे आपको दिखाते हैं वीडियो में, हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाने की कोशिश की है। आप लोगों ने काफ़ी सारे स्टॉल लगाए थे। ये सैंडियागो का मद्रास कैफ़े है, इट्स फेमस फॉर इट्स इंडियन फूड। और यहाँ पे देखिए आप, ये कुछ लोग होममेड कुकीज सेल कर रहे थे। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, दे डू ऑनलाइन बिजनेस। तो उन लोगों का ऐसे कोई प्रॉपर शॉप नहीं होता, बट वो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू वो इंडिया से प्रोडक्ट्स मंगा के यहाँ पर सेल करते हैं। यहाँ पर ये लोग चीज़ बोर्ड, कोस्टर, डेकोरेटिव ट्रे, ये देखिए कितना ट्रेंडिंग पैटर्न है ना ये रेजन वाला, तो बहुत ही ब्यूटीफुल से ये लोग का स्टॉल था। और इसके बाद ये था हीना का स्टोर, मेहंदी। तो यहाँ पर ना एक लेडी बैठकर सबके मेहंदी लगा रही थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये कितना इंटरेस्टिंग सा स्टॉल था, हर चीज़ हैंडमेड थी। इन लोगों ने हैंडमेड राखी बनाई हुई थी, रक्षाबंधन आने वाला है। और ये देखिए कृष्ण जी के जो मुकुट होता है ना लड्डू गोपाल का, वो भी था। और उधर देखो वो रावण का स्टिकर, अभी दशहरा भी आ रहा है ना। इंडियन साड़ी, सूट और सब कुछ था। और सबसे ज़्यादा ज्वेलरी के शॉप थे, जूतियाँ भी थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिरकर हम लोग आ गए खाने के लिए। अभी बहुत तेज भूख भी लग रही थी, हम लोगों का ऑलमोस्ट डिनर टाइम होने ही वाला था और इतनी अच्छी अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। बट इतनी लंबी लाइन थी ना खाना खाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर बन रहे हैं इतने मस्त मस्त डोसे, और देखकर ना वो इंडिया के जो हम बच्चे होते थे ना और लाइन में खड़े होते थे, इंडिया में कोई फंक्शन होता था, वेडिंग होती थी, डोसा खाने के लिए। और ये हिमालय किचन से ये लोग भी, सब वेज फूड था, सब वेज इंडियन फूड था इधर।
और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कुछ तो खाना ही है, तो अभी हम लोग आ गए हैं ये चाट खाने। तो हमने डिसाइड किया हम खाएंगे गोलगप्पे, और गोलगप्पे खाने के लिए भी इतना वेट करना पड़ा क्योंकि जो लोग मेरे से लाइन में आगे खड़े हुए थे ना, उन लोगों ने 12 प्लेट गोलगप्पे ऑर्डर किए थे, और जहाँ गोलगप्पे और वहाँ मैं गोलगप्पे ना खाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे, तो जो 30 मिनट्स हम लोगों ने पार्किंग के लिए वेट किया था वो वसूल हो गया इतना टेस्टी गोलगप्पे खा के। और US में गोलगप्पे का प्राइस था लाइक 4 गोलगप्पे के लिए आपको $5 पे करना था, मतलब एक गोलगप्पा अगर आप इंडियन मनी में ट्रांसफ़र करो तो 100 रुपीज़ का एक गोलगप्पा। गोलगप्पे खाने के बाद तो बहुत तेज़ भूख बढ़ गई थी, और वहाँ पर थी बहुत लंबी लाइन कुछ भी खाने के लिए, तो हम आ गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट करी क्राफ्ट, और यहाँ आकर हमने ऑर्डर किया यम्मी यम्मी इंडियन फूड और इन्जॉय किया अपना यम्मी डिनर। तो गाइज ये व्लॉग फ्राइडे से चल रहा था, तो आपने देखा फ्राइडे हम मूवी गए थे, सैटरडे हम लोगों ने अटेंड किया था इंडियन फूड फेस्टिवल, और आज है संडे, तो आज हम लोग आए हैं पार्टी सिटी। पार्टी सिटी में सब डेकोरेशन का सामान मिलता है, और हम पार्टी सिटी क्यों आए हैं वो आपको पता लगेगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, संडे का एक बहुत मस्त सा व्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड जल्दी मिलते हैं आपसे, स्टे ट्यून।